अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मेथी की भाजी और खीमा, और इसमें आलू डालेंगे। इसके लिए हमने ये तीन गड्डी है मेथी की भाजी की, तीन गड्डियाँ लिए थे हमने, से इस तरह से तोड़ के धो दिया हमने और एक छन्नी में निथार दिया। और दो बड़े आलू लिए थे हमने और उसको इस तरह से क्यूब्स टाइप में काट दिए, इस तरह से छोटे छोटे। और 200 ग्राम हमने मटन का खीमा लिया था। दो बड़े डल्ली लहसुन के लिए हमने 20 से 25 हरी मिर्चियाँ लिया है हमने, आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और दो एक बड़ी प्याज की डल्ली लेके इसको इस तरह से हमने पतले स्लाइस में काटे हैं। और एक हमें टमाटर लगेगा जिससे भाजी का कड़वापन कम होता है, तो इसके लिए हम ये एक टमाटर डालेंगे। इसमें से भाजी कड़वी नहीं लगती, अच्छी टेस्टी बनती है एक टमाटर डालने से। और 150 ग्राम मीठा तेल लिया है, बस आधा टीस्पून लाल मिर्ची लगेंगे और पाव टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। तो हम ये सबसे पहले तेल को कुकर में डाल के प्याज और खीमा डाल के इसे हरी मिर्ची और लहसुन एक जार में लेके पीस लेंगे। एक कुकर में हम सबसे पहले ये तेल डाल देंगे, फिर जो ये प्याज हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। ये प्याज हमारी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम ये हरी मिर्च और लहसुन को हमने एक जार में थोड़ा मोटा मोटा रफली पीस लिया है, अब इसे इसमें डाल देंगे। थोड़ा से भूनेंगे ताकि मिर्ची की जो कच्ची खुशबू है वो चले जाए। उसके बाद हम इसमें ये नमक डाल देंगे, नमक आप आपके हिसाब से चक्कर डालें। फिर ये जो मटन रखा था इसको डाल देंगे। और ये हल्दी और लाल मिर्ची का जो पाउडर रखा था वो भी डाल दें। इसे भूनकर इससे एक सीटी होने तक इसे गलने देंगे, हम कुकर को लगा के एक सीटी होने देंगे। आपको लगे कि तेल कम दिख रहा तो आप और तेल डाल सकते हैं, और अगर आप कम तेल खाते हैं तो कम भी रहा तो चलो। फिर बाद में हम कुकर खोल के फिर आलू डाल लेंगे, फिर एक बार और हल्का सा इसको कुकर लगा के बिना सीटी हुए थोड़े आलू को गलने देंगे नरम होने तक, फिर कुकर खोल के और भूनेंगे, फिर उसके बाद हम भाजी डालेंगे। ये खीमा हमारा गल चुका है, हमने इसे दो सीटी होने तक गलने दिया, अब इसके बाद हम इसमें ये आलू डाल देंगे। फिर थोड़ा सा इसमें हरी मिर्ची का पानी ये डाल देंगे, और फिर सिर्फ कुकर लगा के 5 मिनट तक सिर्फ बिना सीटी हुए खाली आलू गलने उतना बस पकने देंगे। गैस को कम करके इसे थोड़ा आलू गले उतना 3-4 मिनट हम से बंद करके कुकर लगा देंगे। हमने इसे एक पैन में निकाल दिया था, सीटी होने से पहले ही हमने कुकर की भाप निकाल दिया था। अगर ज़्यादा गलने दिए तो फिर ये आलू ज़्यादा गल जाते, तो इसलिए हमने सिर्फ उसे 2-3 मिनट तक कुकर में गलने दिया था आलू को। फिर इसको हमने एक पैन में डाल दिया है, अब इसमें हम ये टमाटर जो रखा था वो एक टमाटर डाल देंगे। फिर आप 4 से 5 मिनट और पकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें भाजी डाल देंगे।
उसके बाद अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके भाजी डाल देंगे। इसे हमने और आधा कप इसमें पानी डाला। और इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम ये पूरी भाजी डाल लें। ये भाजी को हमने जिस तरह वो चावले की भाजी को काटा था उसी तरह से भी हमने रफली चॉप कर दिया था इसको, मेथी की भाजी को। इससे अच्छी टेस्टी बनती है भाजी काटने से, तो इसे भी हमने काट दिया है। काट के इसमें डाल दिया, इसे हमने 5 से 6-7 मिनट तक पकाया है, भुने हमने अच्छी तरह। अब ये हमारी भाजी हो चुकी है, अब इसे हम एक बॉल में निकाल लें। लीजिए, ये हमारी मेथी की भाजी मटन क्रीमी के साथ तैयार है।